कोरोना लहर के बीच वैक्सीन की कमी ने मुश्किल बढ़ा दी है। अभी 18 प्लस से ज्यादा यानी 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए टीकाकरण को लेकर 10 से ज्यादा राज्यों ने इनकार किया है। वैक्सीन पहुंचते ही 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने वालों को वैक्सीन आने पर बताया जाएगा। तो कल जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आए सामने, उन्होंने कहा कि जब हम कहें तभी आइएगा, वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ मत लगाइएगा, आपको कोरोना का खतरा हो सकता है। ऐसे तमाम राज्य अब कह रहे हैं। कुमार, कल बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने भी यही कहा ग्लोबल टेंडर की बात, क्या ग्लोबल टेंडर के सहारे इस वैक्सीनेशन अभियान को चलाया जाएगा ये कहा जा सकता है? देखिए, इसके पीछे की मतलब जो पूरा मंशा है उस मंशा को समझना पड़ेगा। देश में जितना वैक्सीन की जरूरत है मौजूदा हालात में अभी वो वैक्सीन मौजूद नहीं है, पहली बात। अब जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कह दिया है कि आप जहां से मर्जी हो वैक्सीन खरीदें, आपके पास दो वैक्सीन के लिए बना देशी कंपनी तो है ही है, इसके अलावा आप चाहें तो विदेशों से भी खरीद सकते हैं, स्पुतनिक भी भारत आ ही चुका है। तो ऐसे में ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अगर कहीं और से भी वैक्सीन अवेलेबल हो पाता है तो उस वैक्सीन को लिया जा सकता है, इसकी एक गुंजाइश की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है कि आपने आज किया और कल आपके पास वैक्सीन आ गया, क्योंकि जो पुराने जो डील्स हुए हैं खास करके वैक्सीन कंपनियों के साथ, जहां तक मेरी जानकारी है कई सारे वैक्सीन कंपनियों के पास अगले 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए कोई स्लॉट नहीं है, उनके सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं अलग अलग देशों के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करना कि हमने ग्लोबल टेंडर के माध्यम से सब कुछ कर दिया है, थोड़े दिन में आ जाएगा, बहुत ही कह सकते हैं कि ये गलतफहमी है। स्थिति यही है कि आपको जो हिंदुस्तान के दो वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, कुमार, इस बारे में कोई जानकारी है कि स्पुतनिक वी की कितनी डोजेस, कितनी खुराकें आएंगी भारत, कितना बड़ा नंबर होगा वो? अभी तक सरकार इसके बारे में कुछ खुलकर नहीं कहा है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि स्पुतनिक भी भारत आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि उसको इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, उसके साथ भी कोशिश हो रही है। या तीसरी, डॉक्टर रेड्डीज का जो लैब है उनके साथ मिलकर स्पुतनिक भारत जो है मतलब इसका प्रोडक्शन करेंगे वगैरह का सारा काम करने जा रही है। ठीक है, शुक्रिया कुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखते हैं कि स्पुतनिक वी का रोल आउट कैसे होता है देश में। डॉक्टर रवि मलिक, आपको क्या लगता है स्पुतनिक वी कितनी मददगार होगी, क्योंकि दो कंपनियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा बोझ है। हम देख रहे हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा उनके ऊपर डिमांड का प्रेशर है, तो स्पुतनिक वी कितनी बड़ी गेम चेंजर हो सकती है अगर सही नंबर? डेफिनेटली स्पुतनिक जो है वो डेफिनेटली थोड़ा गेम चेंजर होगी, क्योंकि हम इन दोनों कंपनियों को अगर कंबाइंड इनकी प्रोडक्शन देखें तो 7.5 से लेकर 8.5 करोड़ की इनकी कंबाइंड प्रोडक्शन है, जो कि हमारे देश का जो इतना बड़ा एपिटाइट है उसको ये बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी भी कंपनीज और रूप इन कर सके उतना ही हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में 60 करोड़ वैक्सीन हमारे को चाहिए और अर्जेंटली इसलिए चाहिए क्योंकि 18 से 45 साल के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। बहुत सारे लोग इनमें ओनली अर्निंग मेंबर हैं, यही लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं और यही लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंतित है और सरकार ने ये खोल दिया, बहुत अच्छा कदम लिया। लेकिन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी वैक्सीन की प्रक्रिया में 3 चीजें होती हैं, एक तो स्टोर उसका यानी इन्वेंटरी, एक सप्लाई लाइन और तीसरा जो सेंटर जहां पे की वैक्सीन दी जाती है। हमारे इधर सेंटर्स की कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की मैन पावर की दिक्कत नहीं है, एवरीबॉडी इज अप इन आर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई चेन की हमारी कोई दिक्कत नहीं है, इसी सप्लाई चेन के चलते हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है। मेन दिक्कत जो आ सकती है वो इन्वेंट्री के ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर सरकार ने 18 से 45 साल का खोला है, सरकार को भी मालूम है 60 करोड़ के करीब ये व्यक्ति हैं और ये इमीडिएटली आएंगे लगवाने, तो सरकार के दिमाग के अंदर प्लान ए बी सी जरूर होगा, बिल्कुल होगा, जिससे कि दिक्कत नहीं आए। लेकिन मैं अभी भी देख नहीं रहा सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, जो सरकार के अंदर प्लान करने वाले लोग हैं, योजना बनाने वाले लोग हैं, वो समझते हैं ग्राउंड की स्थिति उन तक भी पहुंच रही है, उनसे ज्यादा अच्छे आंकड़े किसी के पास नहीं होंगे। लेकिन वो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, अब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से आज जो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन मिल सकती थी नहीं मिली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।